हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में आप जानेंगे कि गर्भावस्था का जो आठवां महीना होता है उसमें बच्चे का विकास कितना हो जाता है, शारीरिक क्या बदलाव होते हैं, गर्भवती महिला को कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इससे रिलेटेड डिटेल्स में बात करने वाले हैं। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। और वीडियो पर अगर पहली बार आएँ तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको प्रेगनेंसी टिप्स से रिलेटेड वीडियो मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या होता है, गर्भावस्था का जब भी आठवां महीना लग जाता है, मतलब 29वें सप्ताह से लेकर 32वें सप्ताह तक शुरू होते ही गर्भवती से लेकर मतलब घर वाले भी बहुत ज़्यादा इस चीज़ की खुशी मनाते हैं, बच्चे के लिए स्वागत की तैयारियां में जुट जाते हैं। और यकीनन ये बहुत भावुक समय होता है जब बच्चे के आने की बेसब्री से सबको इंतज़ार होता है। गर्भवती को डिलीवरी को लेकर घबराहट भी होती है थोड़ी बहुत, ख़ास तौर पर उनके लिए जो पहली बार माँ बनने जा रही हैं। ऐसे में टेंशन नहीं लेनी चाहिए, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको ये बताती हूँ कि जो गर्भावस्था के आठवां महीना होते हैं उसमें पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में दूंगी कि आपको कौन कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए। गर्भावस्था के आठवें महीने में गर्भ में बच्चे के बढ़ने के कारण आठवें महीने में आपको कई अहम लक्षण देखने को मिलेंगे। इस दौरान आपको कुछ ऐसे लक्षण देखने को मिलेंगे जिससे शायद आपको थोड़ा सा शुरू में घबराहट भी होगी, थोड़ा टेंशन होगा, लेकिन आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। गर्भावस्था में जैसे गर्भ में बच्चे के बढ़ने के कारण आठवें महीने में आपको कई जो हैं कई ऐसी चीज़ें होंगी जैसे सांस लेने में तकलीफ होने लगेगी, ठीक है। जैसे जैसे गर्भाशय बढ़ता है वैसे फेफड़े सिकुड़ने लगते हैं, इस वजह से गर्भवती महिला को सांस फूलने की भी समस्या हो जाती है। पीठ दर्द, गर्भावस्था और पीठ दर्द का तो चोली दामन का साथ होता है, ठीक है। गर्भाशय बढ़ने के कारण गर्भवती को अक्सर पीठ दर्द की समस्या से जूझना पड़ता है और ज़्यादातर हर महिला के साथ ऐसा होता है। जरूरी ये नहीं कि ये एक ही महिला, हर महिला को ये प्रॉब्लम होती है साथ में आठवें नौवें महीने में, ठीक है। इस तरह से रिसाव भी होने लगता है। क्या होता है, गर्भावस्था में जो तीसरी तिमाही में ना इस तरह से गाढ़ा और पीले रंग का एक रिसाव निकलने लगता है जिसे कोलोस्ट्रम भी कहते हैं। दिन में किसी भी समय यह रिसाव हो सकता है जो सामान्य होता है। अगर ऐसा कुछ हो रहा है आपके साथ तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जैसे जैसे प्रसव का समय नज़दीक आता है यह रिसाव रंगीन होने लगता है, मतलब इसका जो कलर है चेंज होने लगता है। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ये सब नॉर्मल होता है, ठीक है। सातवें महीने के बॉडी में जो है जो आपके पेट के निचले हिस्से में जैसे मांसपेशियाँ खींचने लगती हैं, ठीक है, सातवें महीने से ये चीज़ें शुरू हो जाती हैं। ऐसे गर्भावस्था की मांसपेशियाँ में कसावट महसूस होगा आपको, थोड़ा बहुत जो दर्द होता है, मतलब जिसको ब्रेकडाउन हिप्स बोलते हैं, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक ये दर्द जो है आपको महसूस होगा, उसको फॉल्स दर्द बोलते हैं, जो कि जो होते हैं हर महिला को सातवें आठवें नौवें महीने में स्टार्ट हो जाते हैं। कई गर्भवतियों को क्या होता है, जो गर्भवती महिलाएं होती हैं उनको आठवें महीने में कब्ज की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है। कब्ज के कारण बवासीर भी हो जाता है कई महिलाओं को। इसके अलावा बढ़ते गर्भाशय के कारण नीचे की नसों में सूजन आ जाती है जिससे बवासीर होने का खतरा भी बढ़ जाता है। अगर ऐसा कुछ होता है आपके साथ तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। प्रेगनेंसी के आठवें महीने में शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं, जैसे कि गर्भावस्था के आठवां महीना जो है शिशु लगभग पूरी तरह से विकसित हो चुका होता है। बढ़ते गर्भाशय में जब मूत्राशय मतलब आपके यूरिन ब्लेंडर पर जब दबाव पड़ता है बच्चे का, तो ऐसे में ना आपको बार बार पेशाब आने की इच्छा होती है, बार बार आपको पेशाब आती है। तो ये एक नॉर्मल सा सिम्टम्स होता है जो कि होता ही है, ठीक है। रात में आपको बार बार पेशाब आने के कारण को नींद भी जो है उसमें भी समस्या आने लगती है, क्योंकि लेटने उठने में दिक्कत होने लगती है, आठवां नौवां महीने चलता है उस समय, तो थोड़ा सा परेशानी होती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, जैसे कि रात में आप दिन में भरपूर पानी पीजिए, लेकिन रात में ना थोड़ा सा कम पानी पीजिए जिससे कि आपको बार बार बाथरूम क्लीन ना जाना पड़े, ठीक है। इसके अलावा गर्भाशय बढ़ने के कारण पेट के निचले हिस्से में स्ट्रेस मार भी पड़ने लगते हैं, निशान नज़र आ जाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा खुजली नहीं मचाना क्योंकि उस समय खुजली भी मचती है, ठीक है।
गरवा से जब बढ़ता है तो ड्राइनेस होती है, तो बहुत ज़्यादा खुजली होती है, तो आपको बिल्कुल भी खुजलाना नहीं, उससे स्क्रैच मार्क पड़ जाते हैं। कुछ महिलाओं की त्वचा पर नसें उभरी हुई नज़र आ जाती हैं, इसे भी इसे जैसे वेरिकोज वेन कहा जाता है। आप जानते हैं कि गर्भवती जो है उसके गर्भ में जो बच्चा पल रहा है उसका कितना विकास हो जाता है, क्योंकि हर गर्भवती यह जानना चाहती है कि उसके गर्भ में पल रहा शिशु कितना विकसित हो चुका है। तो आज उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। जैसे गर्भावस्था का 8वां महीना लगता है तो बच्चे का विकास और आकार बढ़ने लगता है। इस महीने तक शिशु का काफ़ी हद तक विकास हो जाता है। इतना ही नहीं, शिशु जो है बाहर की आवाज़ें भी सुन लेता है, किक मारकर आपको प्रतिक्रिया भी देता है, ठीक है। अब वो हिचकियाँ भी ले सकता है, इसलिए यही वो समय है जब आप बाहर से ही अपने बच्चे से बातें कर सकते हैं, रिश्ता बना सकते हैं उससे, ठीक है। 8 महीने तक जो है शिशु का गर्भ में अच्छा सा विकास हो जाता है। शिशु की जो आंखें पलकें पूरी तरह से बन जाती हैं और वो आंखें खोल सकता है। शिशु के फेफड़े अधिक विकसित हो जाते हैं। इस महीने तक शिशु के सिर पर बाल भी आ जाते हैं। शिशु के मस्तिष्क का तेज़ी से विकास इसी महीने से शुरू हो जाता है। इस दौरान यूरोक्स तेज़ी से बढ़ते हैं। अगर गर्भ में लड़का हो तो जननांग का बाहर की ओर विकास शुरू हो जाएगा, वहीं शिशु लड़की है तो योनि का विकास इस महीने तक हो जाता है। इस महीने यानी कि 30वें सप्ताह तक शिशु की लंबाई लगभग 14 से 18 इंच तक होती है और उसका जो वजन होता है 1.5 से 2 किलो तक उसका वजन होता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं होती हैं। अब जानते हैं गर्भावस्था के दौर पे किन बातों का आपका ध्यान रखना चाहिए, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करना चाहिए। गर्भावस्था के आखिरी समय काफ़ी नाजुक होता है, इसलिए इस दौरान गर्भवती महिला की खास देखभाल होना ज़रूरी होता है। गर्भवती महिला की जीवन शैली कैसी है, खान पान उसका कैसा है, ये सब गर्भवती और होने वाले शिशु पर सीधा असर डालता है। ऐसे में सही देखभाल ज़रूरी होती है। जब बात आई देखभाल की तो इस सबसे पहले हम सही खान पान, ठीक है, बेहतर कि गर्भावस्था के दौरान महिला अपने डॉक्टर से अपना एक डाइट चार्ट जरूर बनवा लें। फिलहाल हम आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जो आपको करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। जैसे गर्भावस्था के 8वें महीने में कौन सी चीज़ें खाएं, विटामिन और खनिज से भरपूर जो है पदार्थ वो खाने चाहिए। हालांकि यह गर्भावस्था की आखिरी तिमाही है, इसलिए ऐसा भोजन ज़रूरी है जिसमें भरपूर रूप से विटामिन खनिज हो। आप आयरन और कैल्शियम का ज़्यादा सेवन करें, क्योंकि डिलीवरी के दौरान खून बहता है और खून की कमी ना हो इसलिए आपको आयरन का सेवन करना चाहिए। इसके लिए आप हरे पत्तेदार सब्जियां, नट्स, डेयरी उत्पाद खाने में शामिल कर सकती हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा ये युक्त पदार्थ दौरान इस जैसे ऐसी चीज़ें खानी चाहिए, जैसे कि इसमें इसके लिए हो गया बीन्स, मीट, टेफू। गर्भावस्था में इस महीने मतलब फाइबर युक्त भोजन खाना जरूरी होता है, जिससे कब्ज की समस्या से राहत मिलती है। इसके लिए आप ओट्स, गेहूं, फल, आटे, ब्रेड, हरी सब्जियां, पत्तेदार ये चीज़ें आप खा सकती हैं, ठीक है। गर्भावस्था के 8वें महीने में आपको क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, जैसे कॉफ़ी का कम सेवन करना चाहिए। गर्भावस्था में कैफीन युक्त चीज़ें जैसे कॉफ़ी की मात्रा कम कर दें। अगर आपको लत लगी है जैसे कॉफ़ी की तो दिन में 1 कप कॉफ़ी पी सकती हैं, लेकिन कोशिश करें कि इसे ना ही लें तो अच्छा है। कैफीन का ज़्यादा सेवन शिशु के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके अलावा चाय और चॉकलेट में भी कैफीन होता है, आप इससे भी परहेज करें, ठीक है, इसको भी आपको नहीं खाना चाहिए। तो ये सारी जो डिटेल्स में मैंने आपको जानकारी दी, आपको ध्यान रखना है कि 8वें महीने में आपको ये सारी चीज़ों की सावधानी बरतनी चाहिए, ठीक है। बाहर का ऑयली खाना नहीं खाना है, जंक फूड नहीं खाना है, हल्का खाना खाना है, जैसे हरे हेल्दी खाना खाना है, जिससे कि आपकी डिलीवरी में भी दिक्कत ना हो। आई होप कि आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी और वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो ना, वीडियो को आगे ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए इस वीडियो को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।